गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और आज फिर हम अपने YouTube चैनल पर उपस्थित हुए एक नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और लेते रहिए बेहतर नॉलेज। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है पैमाना। कि गाइस, पैमाना क्या होता है और उसे कहाँ यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, फिर हम आपको एक बार बता दें कि गाइस, आप हमारे YouTube चैनल को अगर आपने पहली बार अगर विजिट कर रहे हो हमारे YouTube चैनल पर, तो एक सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी हमारी नई वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पैमाना पैमाना गाइस होता क्या है? देखिए, पैमाना जो होता है, कोई भी जो दूरी है, जब हम किसी क्षेत्र, जो क्षेत्र है, अगर क्षेत्र की दूरी को किसी ड्राइंग शीट पर दूरी को दर्शाते हैं, तो वो हम किससे दर्शाते हैं? पैमाने के द्वारा दर्शाया जाता है। हम कह सकते हैं कि पैमाना क्या होता है कि नक्शे पर दिखाई गई दूरी और क्षेत्र पर ली गई दूरी के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। इसको हम RF से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जो पैमाना होगा वो किससे दर्शाया जाएगा? वो RF से दर्शाया जाएगा। RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये यदि कोई आपको इस तरह का दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये है एक अनुपात 200, इसका मतलब क्या है? तो गाइज, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जो RF है, इस तरह से दे दिया, RF जो है हमारा वो 1:200 है, तो इसका क्या मतलब है? तो गाइज, इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक है, ये दोनों ही सेंटीमीटर में रहती हैं। अगर RF कहीं होगा तो ये और ये दोनों ही सेंटीमीटर में होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नक्शे पर जो नक्शा होगा, नक्शे पर दूरी 1 सेंटीमीटर है। अगर नक्शे पर दूरी 1 सेंटीमीटर है तो धरातल या क्षेत्र पर 200 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर होगी। ठीक है गाइस, तो ये दर्शा रहा है कि यदि नक्शे पर कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन या दूरी है, तो धरातल पर वो 200 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो अगर हम यहां, तो 1 सेंटीमीटर की बात हो गई। यदि हम 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं, 10 सेंटीमीटर के लिए देखिए, तो 1 सेंटीमीटर यहां 10 करेंगे और यहां कितना था? 200 था, तो यहां भी 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन है नक्शे पर, या फिर जो ड्राइंग शीट है, यदि ड्राइंग शीट पर या नक्शे पर कोई दूरी की जो लाइन है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका मतलब है कि वो क्षेत्रफल क्षेत्र में कितनी दूरी है? वो 2000 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से जो है RF आपको पता लग गया होगा कि अगर कोई दूरी हमारी जो ड्राइंग शीट है, यदि ड्राइंग शीट पर 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो क्षेत्र है, क्षेत्र में वो जो दूरी है वो 2000 सेंटीमीटर। इसका हम थोड़ा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको मीटर में चेंज कर लो, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से अब आपको पता लग जाएगा कि 10 मीटर की जो लाइन होगी ड्राइंग शीट या नक्शे पर, वो क्षेत्र में जो है वो 20 मीटर की दूरी होगी। कि वो दूरी कितनी होगी? वो दूरी 20 मीटर की होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब जो 20 मीटर आई है, इसको किस तरह से आपको ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंटेट करना है, या फिर आपको किस तरह से उसको दिखाना है। तो चलिए हम जो है, देखिए, ये है हमारा साधारण पैमाना। इस पे हम केवल दो डायमेंशन लिखते हैं, एक तो मीटर होगी और दूसरी सेंटीमीटर हो गई। तो हमारी जो ये मान लीजिए ये ड्राइंग शीट है, इस ड्राइंग शीट पे ये जो हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन, ये कितनी है? पैमाना जो बनाया वो 10 सेंटीमीटर का पैमाना बनाया है। और इसमें हमने कितने भाग करे? 5 भाग करे, 1, 2, 3, 4 और 5। आप 5 की 10 भी कर सकते हो, जितना चाहो उतना आप कर सकते हो। और यहाँ पर भी जैसे 20 मीटर की जगह आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर, जैसे
या आप मान सकती हो, हमने कितना माना था, ये रिप्रेजेंटेटिव दिया था 1:2000 का। अगर कहीं दे रखा हो 1:400 का, तो आपको करना क्या है, मैं इधर थोड़ा और बता दूँ। इसका मतलब भी यही है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। यदि कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन, ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वो क्षेत्र जो होगा, वो क्षेत्रफल, क्षेत्र में कितने मीटर की होगी, वो 400 मीटर की होगी। यदि इसको भी 10 सेंटीमीटर के लिए लिया जाए, तो यहाँ भी आपको 400 × 10, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4000 सेंटीमीटर। यहाँ भी मीटर में चेंज कर लेंगे हम, तो 4000 / 100, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो इसका मतलब भी वही है कि यदि कोई ड्राइंग शीट या नक्शे पर 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो क्षेत्र में वो 40 मीटर की लाइन होगी या 40 मीटर की दूरी होगी। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर, आपने, हमने यहाँ पर कितने बनाए हैं, ये 5 भागों में डिवाइड किया है। आप यहाँ, हमने 20 के लिए, आप 40 के लिए ले सकते हो, जैसा चाहो आप ऐसा कर सकते हो। तो हमने जो है प्रत्येक को 4 4 मीटर में लिया है, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। जो एक ये होगा वो सेकेंडरी होगा, ये जो होगा वो प्राइमरी पार्ट्स होगा, ये सेकेंडरी पार्ट्स, ये प्राइमरी पार्ट्स होगा। अब हम करना क्या है, देखिए यहाँ से अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और एक जो पार्ट्स है उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए यहाँ हमें मीटर में दर्शाना है, तो ये जो होगा यहाँ से 4 मीटर हो गया, ये मीटर। अब ये जो है वो सेंटीमीटर में हमें दर्शाना है, तो सेंटीमीटर में कैसे दर्शाएं, देखिए तो हमें करना क्या है, जैसे एक जो पार्ट्स है उसमें 4 मीटर आ रहा है, तो हमने 4 मीटर को एक 4 में हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ये जो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया, इसको आप कर सकते हो, ये जो है अब आपकी, ये एक जो पार्ट्स हो गया वो सेंटीमीटर में हो गया। यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 100, यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक 100। तो ये जो हो गया वो सेंटीमीटर में हो गया, ये जो हो गया वो मीटर में हो गया। तो गाइस, तो इस तरह से जो है आप अपना पैमाना भी बना सकते हैं, और जो आपको आरएफ दे रखा है किसी भी इस तरह से, तो आप जो है नक्शे पर उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो ये जो है हमारा वो साधारण पैमाना बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक बार और लास्ट में, अगर मैं, आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आरएफ जो होगा वो पैमाना का ही एक पैमाने को ही इस तरह से रिप्रेजेंटेड करते हैं। इस आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको लिख देता हूँ, आरएफ इक्वल टू आर ई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, थैंक यू।